गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने थर्ड चैप्टर जो है अपना वो शुरू किया था, उसकी इंट्रोडक्शन की थी। इंट्रोडक्शन में आई होप सभी को पता होगा कि हमने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया था, कितने तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। और अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो हमने किया था कि प्लांट किंगडम जो है वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जो होते हैं विदाउट सीड्स और एक होते हैं विद द सीड्स। और जो क्रिप्टोगैमी है दैट मीन्स जो विदाउट सीड है वो आगे उसकी तीन टाइप में डिवीज़न हो रखी है। फर्स्ट वन इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेरिडोफाइटा। और जो विद द सीड हैं वो है एंजियोस्पर्म एज वेल एज जिम्नोस्पर्म। जो थैलोफाइटा है वो आगे फिर अगेन दो तरह के हैं, एल्गी और फंजाई। तो आज जो हम हैं एल्गी से शुरू करेंगे, ठीक है। थैलोफाइटा आई होप सभी को याद होगा कि थैलोफाइटा एक सिंपलर प्लांट्स हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होती। थैलोफाइटा वो बेसिकली एल्गी, फंजाई, लाइकन और बैक्टीरिया में आगे इसके डिवीज़न हैं। पर यहाँ हम इसको टू पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है थैलोफाइटा को, एल्गी और फंजाई में, क्योंकि लाइकन जो होता है वो इन दोनों की कॉम्पोजिशन से बनता है, एसोसिएशन से बनता है। और बैक्टीरिया जो है वो आगे उसका एक अलग, उसकी सेल वॉल के कारण वो थोड़ा अलग डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। सो सबसे पहले आज हम करेंगे एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गा है क्या? एल्गा की 18,000 जेनरा जो है वो प्रेजेंट हैं, उसके अलावा 29,000 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है एल्गा की, ठीक है। सभी ने एल्गी देखी होगी, आई होप सबको पता होगा। कई बार बारिश के दिनों में हमारी गलियों में, हमारी छत की सीढ़ियों पे एक ग्रीन पोर्शन जो है वो उग जाता है, उसे हम एल्गी ही बोलते हैं। मतलब मॉइस्ट कंडीशन जहाँ भी होगी वहाँ पे एल्गा प्रेजेंट होगा। इसकी जो बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी में ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स जो हैं वो एब्सेंट्स होते हैं। आप सबने देखा होगा कि लीव्स वहाँ पे नहीं होते, स्टेम की डेवलपमेंट नहीं होती, एक मास प्रेजेंट होता है जो कि डिवाइड करके अपने आप को, डिवीज़न करके अपना जो है एरिया है वो कवर करता है। ग्रीन कलर का होता है, दैट मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस होगी। यूनिसेलुलर भी होती है एल्गा और मल्टीसेलुलर भी होती है, फिलामेंटस, ब्रांच, अनब्रांच, बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर एक्वेटिक भी है, सेमी एक्वेटिक भी है, कुछ मैरीन भी है, कुछ फ्रेश वाटर है। सबसे जो लार्जेस्ट है एल्गा उसको वो है मार्कोसिस्टिस। इसके एटलीस्ट जो इसकी लेंथ है वो 60 फीट से लेके 100 फीट तक के आसपास इसकी लेंथ जो होती है एल्गा की। सबने याद रखना है कि मार्कोसिस्टिस इज़ द लार्जेस्ट एल्गा। कुछ जो होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फिलामेंटस हैं, ब्रांच है, अनब्रांच है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, ब्रांच में क्लैडोफोरा, अनब्रांच में स्पायरोगायरा एंड जैग्नीमा। उसके बाद जो हम इसके हैबिटेट की बात करें कि एल्गा हमें कहाँ मिलती है, रनिंग वाटर में, फ्लावर के पॉट्स में, कुछ मैरीन होती है। रनिंग वाटर में कौन सा जीनस मिलता है हमें? क्लैडोफोरा इज़ अ रनिंग वाटर जीनस ऑफ दी एल्गी। उसके अलावा एल्गी की अगर हम बच्चे टाइप की बात करें, एल्गी बहुत तरह की होती है। आपने सिर्फ ग्रीन देखी है ना, जो मोस्ट कॉमन हमें दिखती है। उसके अलावा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और वी कैन से ग्रीन ब्लू एल्गी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गी जो है वो प्रेजेंट है। आपके सिलेबस में रेड एल्गा, ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा दिया है तो हम वही कवर करेंगे। तो जो ब्राउन और रेड एल्गी होती है वो होती है मैक्सिमम, जो मेजॉरिटी होती है वो मैरीन होती है, दैट मीन्स हमें सी वाटर में देखने को मिलती है वो। पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट है, जो प्रेजेंट किस में होगा? वैसे तो ऑल मेंबर्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ग्रीन एल्गी है उसमें इसका जो अमाउंट है वो एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे एल्गा हैं उसके कंपेरिजन ज़्यादा होता है। लेकिन जो रेड एल्गी है, ब्राउन या ग्रीन ब्लू जितनी भी एल्गीज हैं उनमें ग्रीन पे क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोफिन जो होते हैं वो ब्राउन एल्गा में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोफिन ये दोनों जो, इन दोनों का जो अमाउंट है वो जो डोमिनेंट हो जाता है, दैट मीन्स जो वो क्लोरोफिल के अमाउंट को वो ओवरकम कर देता है, इसलिए उसका कलर भी क्या आता है? ब्राउन आता है। उसके अलावा फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन इज़ द मेन पिगमेंट ऑफ द रेड एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड में फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन होता है, इसी कारण जो इसका कलर होता है वो रेड होता है, इसे हम रेड पिगमेंट भी बोलते हैं।
ओके बच्चे, तो सब ने याद रखना है, कई बार आपको एक नंबर में अब नहीं तो एटलीस्ट आपको जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं प्लस टू के बाद जो आप एग्ज़ाम्स होंगे, कोई नीट का एग्ज़ाम, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स आर देयर, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड जो एल्गी होती है उसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं, ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। तो अभी से आप इस तरह से अपनी प्रेपरेशन करो कि आपको भूले ना आने वाले टाइम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी भी बोलते हैं। ये क्या है, मोस्टली मैरीन है। उसके अलावा ये जो है शोई है ऑफ ऑल द सी वीड्स एंड ग्रेसफुल बीइंग लाइक लेस लाइक, दैट मीन्स क्या है कि ये सी वाटर के अंदर जितने भी और सी वीड्स होते हैं, सी वीड्स हम देखा होगा ना कि जो पानी वाली जगह है सी वाटर है उनके अंदर छोटे छोटे जो हम कहते हैं कि पेड़ लगे होते हैं। पेड़ कैसे होते हैं, वो एक कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस। पर आपको मैं अगर तो सी वाटर में क्या होता है बच्चे, बहुत सारे मतलब मेरीन जो फिशरीज होती हैं, मेरीन एनिमल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट्स होते हैं। उसके अलावा फॉर देयर शेल्टर वहाँ पर जो पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी वहाँ प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन उनमें जितने भी सी वीड्स होते हैं उनमें जो मोस्ट शोई होती है वो ये रेड एल्गी होती है। ठीक है, रेड कलर का कई बार हमें दिखता है ना सी, तो हम कह सकते हैं इसके कारण भी हमें दिखता है। उसके अलावा यूनिसेलुलर है ये, और इसकी लेंथ जो होती है वो हाफ मीटर के करीब होती है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम बात करें तो बिलियो प्रोटीन्स जो हैं वो पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट्स हैं। और क्लोरोफिल तो ऑब्वियस है कि सभी एल्गी के अंदर प्रेजेंट्स ही है, एंड कैरोटीनॉइड टेट्रा ज़ैंथिन ये भी रेड एल्गी में प्रेजेंट्स हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं वो सेम, इनके जो पिगमेंट्स हैं वो सेम हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स हैं वही पिगमेंट इसके अंदर भी प्रेजेंट्स हैं। बट डिफरेंस क्या है, साइनोबैक्टीरिया में जो फाइकोसाइनिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड एल्गा। रेड एल्गा क्या करता है, जो रेड पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को इनविजिबल स्पेक्ट्रम ईजीली। क्या करता है वो, जो हमारी जो सनलाइट है वहाँ से जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वहाँ से रेड पिगमेंट जो है वो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को होता है वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए हमें वो जो है साफ साफ पानी में वो दिखाई देती है। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें सेक्शुअल और एसेक्शुअल होती है। स्पोर्ट्स कैसे होते हैं इसके अंदर, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं आपको पता होगा, मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। बाकी टाइप्स जो रिप्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें कि एल्गा की, इस एल्गा की क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, तो ये यूज होता है एज अ वेजिटेबल्स। कई जगह ये एज अ वेजिटेबल भी खाई जाती है, जैसे पोरफायरा ये इसका एग्जाम्पल है एल्गा का। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट मीट के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। लेग्जेटिव्स एंड कॉस्मेटिक्स उसके अंदर यूज़ होता है। अगर जेली बनती है इसकी वो उसका क्या यूज़ होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी कल्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फॉर द रिसर्च पर्पस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। उसके अलावा सूप्स के अंदर डलता है ये। चॉकलेट मिल्क जो हमें मिलता है या हम बनाते हैं उसके अंदर जो एल्गा होता है वो प्रेजेंट होता है। वो क्यों प्रेजेंट होता है रेड एल्गा, सो दैट जो कि चॉकलेट जो है वो सेटल हो सके मिल्क के अंदर, उसको सेटल डाउन करने के लिए रेड एल्गा यूज़ होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंस है कुछ इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे आपको, नए भी सुनने को मिले होंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल जो है हम अपना जो रिमेनिंग इसका पोर्शन है ब्राउन एल्गा और ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एग्जाम्पल बच्चे आपने ध्यान से ही याद करने हैं, मतलब एग्जाम्पल आपको मोस्ट है कि आपने एग्जाम्पल करने ही करने हैं। सो गुड बाय।